सामने जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट होती क्या है और कैसे हम इसको निकालते हैं, ये आज मैं आपके सामने इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर एक नए टॉपिक को लेके, और ये टॉपिक है एसिम्प्टोट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। सो यहाँ पे एसिम्प्टोट है, कर्वेचर है, कर्व ट्रेसिंग है, ये सब टॉपिक्स इसके पार्ट होते हैं। सो मैं अभी आपके सामने जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट होती क्या है और कैसे हम इसको निकालते हैं, ये आज मैं आपके सामने इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो एसिम्प्टोट होती क्या है ये मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, हमारे पास दो कर्व होते हैं। एक कर्व तो होता है क्लोज्ड कर्व, लाइक सर्कल है, एलिप्स है, ये सभी क्लोज्ड कर्व होते हैं। सो क्लोज्ड कर्व जो भी होते हैं, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, एक सर्कल है, राइट, ये सर्कल है, इस सर्कल पे हम कोई भी टेंजेंट खींचते हैं तो सामने दिखती है, राइट, है ना। टेंजेंट होती क्या, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। पर कुछ ऐसे कर्व जो ओपन होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये कोई कर्व दिया हुआ है, राइट, ये कोई कर्व गिवन है ना, इस टाइप का एक कर्व गिवन है। आप देख रहे हैं कि ये कर्व इनफाइनाइट तक जा रहा है, मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक टेंजेंट लेता हूँ, मैं एक लाइन लेता हूँ जो ऐसा लग रहा है कि ये इस कर्व को कहाँ टच करेगी, इनफाइनाइट पे टच करेगी, सामने नहीं टच कर रही, इनफाइनाइट पे टच कर रही। सो दिस इज अगेन एक टेंजेंट, बट इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। मतलब एसिम्प्टोट सीधी सीधी भाषा में हम बोले तो एक टेंजेंट एट इनफाइनाइट होती है, राइट। आपको एग्जाम में इस कर्व की इक्वेशन गिवन होगी और आपसे बोलेगा कि फाइंड द एसिम्प्टोट, मतलब आपको उसकी क्या निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है, कि ऐसी टेंजेंट जो उस कर्व को टच कर रही है इनफाइनाइट पे टच कर रही है। सो अगर बाई चांस, जैसे डिपेंड करता है कि कर्व की कितनी टेंजेंट होगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पे दो टाइप की टेंजेंट होती है, एक होती है पैरेलल टेंजेंट, एक होती है ऑब्लिक टेंजेंट, राइट। सो पैरेलल मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्लिक टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। तो डिपेंड करेगा कर्व की डिग्री पे। जैसे अगर कोई भी कर्व है, इस टाइप का कोई इक्वेशन लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये कोई कर्व लिखा हुआ आपके सामने, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, टू है, तो इसकी एसिम्प्टोट कितनी होगी, टू होगी, राइट। अगर बाय चांस इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी दे रखी है, थ्री दे रखी है, हाईएस्ट डिग्री में डिग्री का मतलब होता है पावर, राइट, कर्व की पावर। कर्व की पावर अगर हाईएस्ट थ्री है तो उसकी एसिम्प्टोट कितनी होगी, थ्री होगी, ठीक है। अब आपके सामने मैं थोड़ा और बता देता हूं कि आपको जो एग्जाम में इक्वेशन गिवन होगी वो किसकी होगी, इस कर्व की गिवन होगी, और आपको उस कर्व पे एसिम्प्टोट्स निकालनी है। मतलब आपको क्या निकालनी है, स्ट्रेट लाइन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कर्व की डिग्री तीन है तो आपको क्या निकालना है, तीन एसिम्प्टोट निकालनी, मतलब तीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालनी है, राइट। सो y इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री, इस टाइप की इक्वेशंस होगी, इस टाइप की ये टेंजेंट्स होगी। इन टेंजेंट्स के अंदर अननोन क्या है, एक तो m है और एक c है, मतलब m1 m2 m3 c1 c2 c3। अगर हमें ये छह चीजों की वैल्यू पता पड़ जाए तो हमारा काम खत्म। तो कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन गिवन हो कि फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, तो आपका काम यह रहेगा कि उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री आपको पता पड़ जाए। जैसे तीन डिग्री है तो मतलब आपको तीन इक्वेशंस निकालनी है, फिर आपका पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपको एम वन एम टू एम थ्री निकालना है, उसके बाद फिर इनकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे, सी वन सी टू सी थ्री, M1, M2, M3 और C1, C2, C3 की वैल्यू यहां रखेंगे, हमारे पास तीनों आंसर्स आ जाएंगे। तो यहां पे वर्किंग प्रोसीजर है, M1, M2, M3 जो रूट्स होते हैं, ये हो सकता है इक्वल हो, डिफरेंट हो, तो इसके अलग अलग मेथड से वो आपको मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। सो एक क्वेश्चन लेते हैं और आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कर्व की एसिम्प्टोट निकालते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं थ्योरी में नहीं घुसना चाहता हूं, ना कोई आपको वर्किंग प्रोसीजर लिखवाना चाहता हूं, मैं सीधा क्वेश्चन से समझाऊंगा कि कैसे हम कर्व की एसिम्प्टोट निकालते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस टेन वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आप देखेंगे तो इस कर्व की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, थ्री है, मतलब इस कर्व की कितनी एसिम्प्टोट, पॉसिबल एसिम्प्टोट हो सकती है, वो तीन एसिम्प्टोट होगी, राइट। वो एसिम्प्टोट किस टाइप की होगी, मैं आपको यहां लिख देता हूं, वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू एंड वाई इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री, ये तीन असिम्प्टोट होगी इसके। इन असिम्प्टोट को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एम वन एम टू और एम थ्री, उसके बाद मैं निकालूंगा सी वन सी टू और सी थ्री, राइट। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन में आपको असिम्प्टोट निकालने, तो आप क्या करेंगे,
डिफाइन पहले पता करेंगे कितनी कितनी डिग्री कौन सी इक्वेशन, तो आप देखेंगे इस कर्व के अंदर 3 डिग्री की टर्म ये रह गई, ये आपकी 2 डिग्री की टर्म है और ये आपकी 1 डिग्री की टर्म है, राइट। आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में पुट एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू एम रखेंगे, राइट। जहां वाई वहां का रखेंगे, एम रखेंगे 3 डिग्री में, इसको नाम देंगे हम 53m, क्लियर है। ये 3 डिग्री टर्म है, इस 3 डिग्री टर्म में एक्स की जगह 1 और वाई की जगह एम रखेंगे और उसको नाम देंगे 53m, अगर 4 होगा तो 54m रखेंगे, राइट। सो जहां पर एक्स जहां वाई वहां एम रखेंगे, माइनस 3 क्या होगा यहां पे, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 3, है ना, एक्स की जगह 1 रखना है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, 2 डिग्री की टर्म, राइट। सो 2 डिग्री की टर्म क्या है यहां पे, ये रह गई, इसमें क्या करेंगे, जहां पर एक्स है वहां पे 1, जहां वहां पे वाई है वहां पे एम रखेंगे, एंड देन 1 डिग्री भी लिख लीजिए, जरूरत नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा अपने को यहां पे, -10 -10 m। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 असिम्प्टोट है, सबसे पहले आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो m की वैल्यू मतलब m1 m2 m3 निकालना, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सो पुट 53m इज इक्वल टू 0, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आप m स्क्वायर कॉमन निकालिए, सो m माइनस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन निकालिए, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 कॉमन आएगा तो ये आएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो m माइनस 3 इसको आप लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास m की वैल्यू आई 1 माइनस 1 एंड 3। सो आपके पास 3 m चाहिए, m1 m2 m3, और ये m1 m2 m3 आपके पास आ चुके हैं। अब यहां पे ये जो m1 m2 m3 ये क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है, इनकी वैल्यू मतलब कोई रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो यहां पे c का फार्मूला होता है, मतलब कांस्टेंट निकालना है, तो कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है, फार्मूला सीधा सीधा याद रखिए, जो हाईएस्ट डिग्री इस कर्व में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये रहेगी, है ना, इसको नीचे रखेंगे आप, और इससे कम, इससे कम क्या होता है 2, उसको ऊपर रखेंगे एंड देन डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो ये हमारे पास यहां पे क्या होता है, फार्मूला होता है ना, जो भी हाईएस्ट है उसको क्या रखेंगे, डिफरेंशिएट करके, सॉरी हाईएस्ट को नीचे रखेंगे डिफरेंशिएट करके, और ये हमारा फार्मूला होगा, क्लियर है ना, हाईएस्ट को नीचे रखना है ना। सो सी इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बेटा 53 कितना आएगा यहां पर देखिए आप, 3m स्क्वायर माइनस का 6m माइनस का 1, आपने इसको डिफरेंशिएट किया है ना, 53 को 3m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 1, और 2 डिग्री की टर्म कौन सी है यहां पे, माइनस 3 प्लस 10m माइनस 3m स्क्वायर, क्लियर है। ये हमारे पास c का फार्मूला हो गया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुट m1 इज इक्वल टू 1 रखेंगे, आप फर्स्ट को m1 मान लीजिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, c1 निकलेगी, बेटा जहां पर भी m है वहां माइनस 1 मतलब 1 रखिए, माइनस 3 प्लस 10 माइनस 3 देन 3 माइनस 6 माइनस 1, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 4 और नीचे आपके पास आएगी माइनस 4, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 1, सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट असिम्प्टोट। नाउ अब क्या करेंगे हम, अगेन पुट इज इक्वल टू m इज इक्वल m2 इज, इस दूसरे वाले को हम m2 नाम दे देंगे और वहां पर हम m की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो c2 आएगी, रखेंगे आप तो क्या आएगा बेटा, माइनस 3 माइनस 10 एंड माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, या रखेंगे 3 और ये आपके पास प्लस का 6 एंड माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा आपके पास माइनस, ऊपर आएगा माइनस का 16, नीचे आएगा आपके पास 8, सो द वैल्यू इज 2, सो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 देन y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस x प्लस 2, सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड असिम्प्टोट। नाउ अब इसकी थर्ड असिम्प्टोट निकालेंगे, थर्ड असिम्प्टोट में क्या करेंगे, पुट m3 इज इक्वल टू कितना रखेंगे यहाँ पे 3, तो जैसे ही m की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो हमारे पास c3 आएगा, क्या आएगा c3 माइनस का 3 प्लस यहाँ 3 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, एंड देन यहाँ 3 रखेंगे तो 9 9 3 27 डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 एंड 27 माइनस 3 18,
माइनस वन, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, बिकॉज 30 माइनस 30 जीरो आ रहा है. सो द थर्ड इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री. सो वाई इज इक्वल टू एम थ्री की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, सी थ्री जीरो है. सो द थर्ड असिम्प्टोट इज एम वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो द स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे जो कंसेप्ट बताया वो ये बताया कि कोई भी अगर हमें कर्व दे रखा है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि उसकी डिग्री कितनी है. जैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो यहाँ पे इसकी 3 असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगी. उन तीनों असिम्प्टोट मतलब 3 टेंजेंट्स होगी. उन टेंजेंट्स के लिए अपने को m1, m2, m3 और c1, c2, c3 निकालना होता है. m1, m2, m3 वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री है वहाँ पे x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, उसको हम नाम देंगे phi 3m. सेकंड डिग्री में phi 2, मतलब जहाँ पर x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ m, एंड देन 1 डिग्री में रखेंगे. देन हाईएस्ट डिग्री को 0 पुट करेंगे. 0 पुट करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें m की वैल्यू मिलती है, है ना. तो वो हमारा m1, m2, m3 हो जाएगा. नाउ हमें उसके बाद हमें ये देखना है कि जो m1, m2, m3 रिपीट कर रहा है या अलग अलग है. तो आप देख रहे हैं ये रिपीट नहीं कर रहा है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है. तो इसके लिए जो c का फार्मूला होगा वो ये होगा, है ना, हाईएस्ट को डिफरेंशिएट करके नीचे रखना और उससे ऊपर एक कम, ये फार्मूला होता है ना. जैसे अगर हाईएस्ट 5-4 होगा तो 5-4 डैश और ऊपर 5-3 आ जाएगा, राइट. सो ये वैल्यू रखी हमने यहाँ पे. फिर m की जगह एक बार 1 रखेंगे तो इसका c1 आएगा. फिर m1 की जगह m की जगह एक बार माइनस 1 रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग c2 आएगा. फिर m की जगह -3 रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग c3 आएगा. इस तरह से हम तीनों असिम्प्टोट निकालते हैं. सो स्टूडेंट्स, देखते रहिए हमारे वीडियोज़ और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.